नमस्कार। मुंबई में आज शनिवार को फायर ब्रिगेड की भर्ती के लिए पहुंची महिलाओं की और पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठी चार्ज भी किया। इस झड़प में किसी के घायल होने की फिलहाल सूचना नहीं है। घटना मुंबई के दहिसर इलाके की है। आप सभी को बता दें, मिली जानकारी के अनुसार लगभग 60,000 महिलाएं आई थी। कई उम्मीदवारों को उनकी हाइट के चलते आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा गया। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार जो सुबह 8 बजे के अंतिम रिपोर्टिंग समय के बाद देर से आए, उन्हें भी आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस से झड़प हो गई। वहीं महिला उम्मीदवारों ने अधिकारियों पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि झड़प के कारण भर्ती अभियान रोक दिया गया था। वहीं इस मामले पर मुंबई फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर ने कहा कि 3318 महिला उम्मीदवारों जो हाइट मानदंड के अनुसार योग्य थी, उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए चुना गया। विरोध करने वाली महिलाएं वे हैं जो देर से आईं। हम उन लोगों की अनुमति नहीं दे सकते जो सुबह 10 बजे पहुंचे, जबकि सुबह 8 बजे का समय था। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।